दुनिया की 5 सबसे अजीब और रहस्यमयी घटनाएं, जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, यूएस के वेस्ट वर्जीनिया में साल 1966 में लोगों ने एक अजीब से क्रिएचर को देखने का दावा किया। ये क्रिएचर इंसान के जैसे दिखता, जिसके पंख भी थे और लाल चमकीली आंखें थी, जिसे लोग मॉथमैन कहने लगे। इसकी शुरुआत तब हुई जब एक कब्रिस्तान में 4 मजदूर कब्र खोद रहे थे। तभी उन्होंने वहां एक ऐसे क्रिएचर को देखा जो 7 फुट लंबा, इंसान के जैसे दिखने वाला और पीठ पर पंख के साथ उन्हें वहां देख रहा था। इसके बाद एक कपल ने भी ऐसे ही क्रिएचर को देखने का दावा किया जो उनका पीछा कर रहा था। उन्होंने इसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में भी की और इसके बाद से ही मॉथमैन को देखने की कई सारी कंप्लेंट्स आने लगी। लोग मॉथमैन को एक बैड साइन के रूप में देखते। जब भी उसे कहीं देखा जाता तो लोगों के साथ कुछ न कुछ असामान्य घटना हो जाती। जब वेस्ट वर्जीनिया का सिल्वर ब्रिज कोलैप्स कर गया था, उससे पहले मॉथमैन को उस ब्रिज पर देखा गया था। मॉथमैन को 1966 से 1967 तक वेस्ट वर्जीनिया के अलग अलग जगहों पर देखा गया। इसके बाद से मॉथमैन को देखे जाने की घटना काफी कम हो गई, लेकिन ये घटनाएं लोगों के बीच काफी वायरल हुई, जिसपे कई सारी मूवीज भी बनाई गई हैं। और साथ ही वेस्ट वर्जीनिया में मॉथमैन का एक म्यूजियम भी बनाया गया है। नंबर 2, द वॉयनिच मैनुस्क्रिप्ट, जिसे दुनिया की सबसे मिस्टीरियस बुक माना जाता है, क्योंकि इस बुक में लिखी गई लैंग्वेज को आज तक समझा नहीं जा सका है। दुनिया में हजारों भाषाएं हैं और कई पुरानी सभ्यताओं की लिपियां हैं, लेकिन इस बुक में लिखी गई लिपि किसी से भी मैच नहीं होती। जब इस बुक की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि इस बुक को 15th सेंचुरी में लिखा गया होगा, लेकिन इस बुक को किसने लिखा था और इस बुक में क्या लिखा गया है, ये आज तक पता नहीं चल सका। दुनिया के ग्रेटेस्ट क्रिप्टोग्राफर्स भी इसमें लिखी भाषा को डिकोड नहीं कर पाए। कुछ लोग इस बुक को आउट ऑफ द वर्ल्ड मानते हैं। शायद ये बुक इस दुनिया की हो ही ना। इस बुक में कई पौधों की ड्राइंग्स बनी हैं, जिन्हें देखकर पता चलता है कि ऐसे प्लांट्स अर्थ पर कहीं नहीं पाए जाते। साथ ही इस बुक में ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को भी बनाया गया है और उसे अननोन लैंग्वेज में डिस्क्राइब भी किया गया है। आज ये बुक अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में रखी गई है। नंबर 3, इतिहास में कई युद्ध लड़े गए हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसा वॉर भी दर्ज है जिसे काफी अजीब माना जाता है, क्योंकि ये युद्ध ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों ने जानवरों के साथ लड़ा था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वॉर को जानवरों ने ही जीत लिया था। असल में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद 1932 में ऑस्ट्रेलिया के सोल्जर्स रिटायर्ड होके फार्मिंग करने लग गए। वहां की गवर्नमेंट ने उन रिटायर्ड सोल्जर्स को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में लैंड एलोकेट किया, जहां वो अपनी फार्मिंग करने लगे। लेकिन शुतुरमुर्ग जैसे दिखने वाले इम्यूज पक्षी, जो कि ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं, उन्होंने किसानों के फसलों पर हमला करना शुरू कर दिया और उनके अनाजों को खाने लग गए। इस सब से परेशान होकर किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने इसकी गंभीरता को देखते हुए एक मिलिट्री ऑपरेशन ऑथराइज्ड किया और सोल्जर्स को मशीन गन के साथ इम्यूज को कंट्रोल करने के लिए वहां भेजा। लेकिन वो पक्षी इतने चालाक थे कि उन्होंने अपनी रणनीति बना रखी थी। जब उन पर मशीन गन से हमला किया जाता तो वो छोटे छोटे गुटों में बढ़ जाते और जंगल में छुप जाते, जिससे उन्हें मार पाना काफी मुश्किल हो गया था। लगभग 2500 गोला बारूद दागने के बाद भी सिर्फ 50 इम्यूज ही मारे गए थे, जो कि सोल्जर्स के लिए काफी शर्मनाक बात थी। जल्द ही गवर्नमेंट को भी एहसास हो गया कि ये ऑपरेशन उन्हें काफी महंगा साबित हो रहा है, जिसमें सफलता भी नजर नहीं आ रही, और आखिरकार उन सोल्जर्स को वापस बुला लिया गया और इस तरह इस वार को इम्यूज जीत गए। नंबर 4, 12th सेंचुरी में लंदन के वुलपिट गांव में 2 अजीब बच्चे मिले, जिनके बॉडी का रंग हरा था। गांव वालों को ये बच्चे काफी डरे से दिख रहे थे। वो बच्चे ऐसी भाषा बोल रहे थे जो गांव वालों ने पहले कभी नहीं सुना था। गांव वालों ने उन्हें अपने साथ ही रख लिया और धीरे धीरे उनके बॉडी का रंग भी आम इंसानों जैसा हो गया। लेकिन उनमें से लड़के की तबीयत खराब हो गई और उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन लड़की सरवाइव कर गई और उसने इंग्लिश भाषा भी सीख लिया। उस लड़की ने बताया कि वो दोनों भाई बहन थे जो ऐसी जगह से आए थे जहां कभी सूरज नहीं उगता। वो दोनों गलती से रास्ता भटक गए और वुलपिट गांव में पहुंच गए थे। बहुत से लोग इस घटना को सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी मानते हैं, वहीं कुछ लोग इसे एक सच्ची घटना मानते हैं। नंबर 5,
साल 1959 में 9 हाइकर्स का एक ग्रुप रसिया के यूरल माउंटेन पर हाइकिंग करने जाते हैं। इन हाइकर्स ने पहले भी कई बार ऐसे बर्फीले माउंटेन्स पर हाइकिंग की थी। उन्हें हाइकिंग का काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। सेफ्टी पर्पस की वजह से उन्होंने अपनी फैमिलीज को बता रखा था कि वो 12 फरवरी तक वापस लौट आएंगे, लेकिन उनको गए 15 दिन बीत गए और वो नहीं लौटे, ना ही उनका कोई मैसेज आया। उनकी फैमिलीज ने जब इसकी कंप्लेन की तो तुरंत ही उन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और काफी दिनों की खोजबीन के बाद एक जगह उनका कैंप दिखा, जिसे डेथ माउंटेन के नाम से जाना जाता है। उनका कैंप काफी डैमेज कंडीशन में पाया गया था, जैसे कैंप को अंदर से फाड़कर लोग बाहर निकले थे। कैंप के आसपास कई फुटप्रिंट्स भी मिले, जिसका पीछा करके इन्वेस्टिगेशन टीम उनकी बॉडीज तक पहुंची। उन्होंने देखा कि वो सारे हाइकर्स मारे जा चुके हैं। अब तक ये सब देखकर यही लग रहा था कि उन पर जरूर किसी जानवर ने अटैक किया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उनके कैंप के आसपास सिर्फ उन 9 हाइकर्स के पैरों के निशान थे। किसी जानवर या किसी और इंसान के वहाँ कोई सबूत नहीं मिले। उनकी बॉडीज में इतने बुरे इंटरनल डैमेजेस थे जो बाहर से बिल्कुल भी दिख नहीं रहे थे। किसी के सर की हड्डी टूटी थी तो किसी के चेस्ट की। ऐसे डैमेजेस कोई इंसान या जानवर भी नहीं दे सकता था। उनमें से 2 हाइकर्स ने तो कपड़े भी नहीं पहने थे, वो सिर्फ अंडरवियर में ही पाए गए। हैरानी की बात थी कि -30 डिग्री सेल्सियस में कोई अपने कपड़े क्यों निकालेगा। उनमें से एक लेडी हाइकर्स की दोनों आंखें गायब थी और एक हाइकर की जुबान भी गायब थी। ये केस और पेचीदा हो गया जब उनके कपड़ों पर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स मिले। इस केस को आज तक सुलझाया नहीं जा सका। आखिर उन 9 हाइकर्स के साथ क्या हुआ था, इसे आज तक एक अनसॉल्व मिस्ट्री माना जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल द फाइल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।